नमस्कार दोस्तों, मैं मिथिला जी की दुनिया से आप सभी लोगों को स्वागत करती हूँ। ये आपका ही चैनल है, आपके ही सहयोग से आगे बढ़ेगा, तो धन्यवाद। चलिए, आज मैं एक नई डिश बनाने जा रही हूँ जो आप सबको हो सकता है बहुत पसंद आए। तो ये देखिए, ये मेरी मूंग है, ये मैंने अंकुरित किया था। ये देखिए, ये अंकुरित हुई है। ये देखिए, बहुत अच्छा अंकुर आया है। देखिए, तो ये मुझे मतलब कल से कुछ तबीयत ख़राब है, तो मूँग खाने का मन नहीं था, तो मैं इसकी देखिए बिल्कुल न्यू रेसिपी बनाने जा रही हूँ। आप भी देखिए, आपको पसंद आएगी। और ये देखिए, ये मेरी दलिया है। मैं किसी ऐसी चीज़ का प्रयोग नहीं करूँगी जो मुझे नुकसान कर जाए। ये देखिए, ये मेरी दलिया है। मैं दोनों को, ये तो खैर भीगी और अंकुरित है, लेकिन इसको मैं 10 मिनट के लिए गर्म पानी में भिगो देती। इसके बाद मैं आपको इसकी डिश बना के दिखा दूँ। ये देखिए दोस्तों, ये मेरी दाल पिस गई है, दाल और दलिया। इसको मैंने ज़्यादा मुलायम नहीं किया है, थोड़ा दरबरा रखा हुआ है। ज़्यादा मुलायम कर देंगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने मिक्सी को रोक रोक के इसको दरबरा चला लिया है। अब देखिए इसमें हम क्या क्या सामान डालते हैं। ये देखिए, ये छोटा चम्मच है, यही चम्मच भर के हम जीरा डाल देते हैं। थोड़ा सफाई का भी ध्यान रखना पड़ता है। ये है दाल और ये है जीरा। अगर दाल का मेरे समझ में आता है कि अगर जीरे मिल जाता है ना, तो फिर फास्ट वास्ट में खाने वाला नहीं रहता, तो जीरा को या बाकी सारे मसाले जो हम फास्ट में इस्तेमाल करते हैं, तो उनको रसोई के सारे मसाले मैं कच्चे खाने से दूर रखती हूँ। तो थोड़ा छू गया था। देखिए, अब इसमें हम डाल देंगे इतना साल्ट। साल्ट आप स्वाद के अनुसार डालें, ज़्यादा ना डालें। अब डालते हैं इसमें हम हल्दी पाउडर। देखिए, हाफ स्पून हल्दी पाउडर, देखिए चम्मच उसके अंदर ही। अब डालेंगे इसमें, ये देखिए, 1/4 गरम मसाला। ये हल्दी का चम्मच इसमें पड़ा हुआ है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, ये घर में ही हमने बनाया है। ये देखिए, और डालेंगे धनिया पाउडर, यानी सारे मसाले डाल देंगे। ये धनिया पाउडर अब डाल देते हैं थोड़ा सा इसमें हम। ये देखिए, ये मेरा किचन किंग मसाला, ये डाल दीजिए, सारे मसालों की कमी ये पूरा कर देता है। अब हम इसमें डालते हैं, देखिए, आमचूर पाउडर थोड़ा। अब जाएगा थोड़ा सौंफ पाउडर। सौंफ जो है हमको ज़्यादा ही पसंद है, मैं हर सब्जी में सौंफ डालती हूँ, तो सौंफ डालते हैं। सौंफ पाउडर डालिए या खड़ी सौंफ डालिए, हम तो खड़ी सौंफ डाले दे रहे हैं। एक आइटम और है, ये हींग है, देखिए हींग डाल दिया। हींग जरूरी होती दाल का कोई भी आइटम बनाए। और ये सौंफ है, ये सौंफ जो है गर्मियों में रामबाण है, ये समझिए। खाना खाने के बाद हम लोग सौंफ का जरूर सेवन करते हैं, लेकिन ये मसाले वाली सौंफ है, देखिए बड़ी बड़ी सौंफ है। तो सौंफ की चाय बना के पीजिए, बहुत ही टेस्टी होती है और गर्मियों में पेट में बहुत ठंडक पहुंचाती है। ये देखिए, मैंने इसमें सौंफ भी डाल दिया। अब मेरे सारे मसाले कंप्लीट हो गए। अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी। देखिए, अब इसमें असली चीज़ रह गई। ये देखिए, मैंने हरे टमाटर की चटनी ली थी, जो मैं इसमें थोड़ा सा पहले मिक्स कर दूँगी। ये देखिए, ये हरे टमाटर की चटनी और ये हरी धनिया, दोनों चीज़ें हम इसमें मिक्स करेंगे। ये और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हम। अब देखिए दोस्तों, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ये महीन वाले से, इस वाले से। देखिए, बड़ा वाला ये होता है, ये बड़ा वाला है, ये मीडियम है और ये बिल्कुल छोटा है। तो हम मीडियम वाले से इसमें थोड़ी लौकी डालते हैं। लौकी डालने से ये बहुत खस्ता करारा होगा, उसे भी दाल है तो करारी तो होगी ही, लेकिन लौकी डालने से इसकी थोड़ा पौष्टिकता और बढ़ जाएगी।
और देखने में भी अच्छा लगने लगेगा। गर्मियों में अगर हो सके तो आप सवेरे उठ के सफ़ेद वाले कद्दू का पानी पीजिए या लौकी का पानी पीजिए, पेट के लिए बेहद फायदेमंद। लौकी की सब्जी, तरोई की सब्जी गर्मियों में, देखिए लौकी हम पूरी कस देते हैं, इसके लच्छे बहुत अच्छे लगते हैं। जब ये हमारा नाश्ता बन के तैयार होगा, इवनिंग नाश्ता शाम के टाइम का, थोड़ी सी इसमें हम डाल देंगे। देखिए ये लाल गाजर, ये ज़्यादा ऑरेंज हमें वैसी नहीं मिल पाई है, पीली वाली मिली है, लेकिन गाजर तो गाजर, पीली हो या लाल हो। सबसे अच्छी होती थी पहले जब गाँवों में आती थी काली वाली गाजर, वो बहुत अच्छी और बहुत स्वादिष्ट, लेकिन अब मिलती ही नहीं है, बहुत कम मिलती है। अब देखिए इसको हम रख लेते हैं इसे। और ये हाँ, ये बात मैं आपको बता दूं कि गाजर और लौकी दोनों मैंने धुल के रखा था। सफाई का सबसे पहले ध्यान देना है, क्योंकि एक तो गर्मी आ गई, ये जो है जो मेरा नीचे गिर गया है इसको हटा लेते हैं, फेंक देते हैं, साथ में ये देखिए ये साफ कर लेते हैं। देखिए इसको हम मिक्स कर, अब इसमें हम डालेंगे ये देखिए, ये मेरा, मैं लिख के रख लेती हूँ, ये मेरा अरारोट पाउडर है, इसको 2 स्पून डालेंगे इसकी बाइंडिंग के लिए। अगर आपके पास अरारोट ना हो तो चावल का आटा डाल दीजिए, चावल के आटा से भी हो जाता है। ये देखिए इसको रखते हैं, अब इसको हम हाथ से ही मिक्स कर लेते हैं। देखिए नमक भी मैंने डाल दिया है, मिर्चा आप अपने तादाद से डालें, और भी मसाले अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, मैगी मसाला, चाट मसाला, तो और ऐड कर सकते हैं, मिर्च चाहें तो और डाल दें, धनिया देखिए हमें भी डाल देते हैं, धनिया बहुत अच्छी लगती है, और करी पत्ता भी डाल देते हैं। ये देखिए मैंने सुखा के रखा हुआ है, फिलहाल हमारे घर में नीम का, करी पत्ते का पेड़ भी है, लेकिन अब दोपहर कौन जाए शाम को, ये देखिए मैंने सुखा लिया था, तो मैं इसको मिक्स कर दूँगी, ये आपको दिख रहा होगा। ये देखिए अभी मेरा इतना स्वादिष्ट नाश्ता तैयार होगा कि आप देखते रह जाओगे कि क्या बन रहा है। ये देखिए एक तो अंकुरित मूंग है जो कि बहुत ही फायदेमंद है, ये देखिए अब मैंने इसको मिक्स करके रख दिया है। अब देखिए ये देखिए दोस्तों, थोड़ा सा अब हम इसमें डालते हैं टोमेटो केचप, इसका स्वाद जो है बहुत ही टेस्टी, स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा, लाजवाब स्वाद होगा। अब देखिए ये अब इसको हम मिक्स कर देते हैं। देखिए ये देखिए अभी देखने में कितना प्यारा लग रहा है। ये देखिए अब हम ये ऐसा, आपके पास अगर डिब्बा हो, कुछ भी हो, ऐसा हो नहीं बड़ा सा लंच बॉक्स हो, एक कुछ भी हो मेरे पास है, तो मैं इसमें ऐसे ये देखिए पूरे में हम ऑयल लगा देते हैं, ये और इस नाश्ते को हम भर के रख देंगे फ्रीजर में, जिससे ये, और थोड़ा सा हम इसमें भी अब ये बारीक सा प्याज, अगर आपको ज़्यादा गीला लगे तो थोड़ा सा चावल का आटा जरूर मिला लें। देखिए और ये नाश्ता आप ऐसे भर के रख लीजिए, ये कई दिन तक चलता है, ऐसे भर के रख लें जब सुबह बिजी हो। देखिए
देखा ऐसे भर के रख लिया। इसको हम अभी थोड़ा सा बना लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये मेरा इतना बच गया है क्योंकि इसमें अभी टाइम लगेगा, तो ये मैं तवा चढ़ा दी हूँ नॉन स्टिक, इस पर मैं ये थोड़े से बड़े टाइप पर बना दूँगी। ये देखिए, ये मेरा जो बैटर है, ये इसके ऊपर हम थोड़ा सा ये गाजर डाल देते हैं। अब इसको हम बंद करके फ्रीजर में रख देते हैं। ये देखिए, कम से कम एक घंटे का समय लग जाएगा, एक घंटे में ये कड़ा हो जाएगा। इसके बाद मैं इसको डीप फ्राई कर लूँगी। डीप फ्राई कर लें या ऐसे ही स्लो फ्राई कर लें, ये करीब करीब आपको खुद ही पता होगा कि फ्रीजर में मुश्किल से, अगर थोड़ा सा काफ़ी पुराना फ्रिज है, बहुत सामान है, तो एक घंटा तो लग ही जाएगा फ्राई करने के लिए। चलिए इसको मैं ऐसे बंद करके रख के आती हूँ, तब तक मैं इसमें बना के आपको दिखाऊँ। ये देखिए, धीमी आंच पे छोटे छोटे से, बन गया मेरा। ये देखिए, पांच तो टिक्की चाहिए थी, चार बना लिया है। अब ये इतना बचा लिया है, छोटा बच्चा है, जो छोटा बेबी जो अक्सर बोलता है, वो कह रहा है मैं पकौड़ियाँ नहीं खाऊंगा, डोसा खाऊंगा। देखते हैं इसका अगर बन जाता है तो उसको एक ठो डोसा बना देते हैं। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, पलट गई है, ज़्यादा तेल नहीं लगा हुआ है, सिर्फ ग्रीसिंग की है तवे पे। और ये देखिए, चटनी के साथ खाने के लिए रेडी। लेकिन अब हमारे बाबूजी बोल रहे हैं साहब ज्यादा कि नहीं, मैं डोसा खाऊंगा नानी माँ। ये देखिए मैं बना रही हूँ, ये टिक्की मेरी पक जाती है, इनको हम निकाल के आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, गैस बंद कर देते हैं और ये देखिए, आप लोग भी खाइए। अभी दूसरा नाश्ता मेरा, अभी गैस वहाँ रखा हुआ है। ये देखिए, ये देखिए आपको कैसी लगी मेरी ये प्लेट। ये मेरी अंकुरित मूंग है जिससे मैंने सारे नाश्ते बनाए हैं। ये देखिए, प्याज है, ये नींबू है, ये हरी चटनी, और ये आपका मीठा चाय, ये आपके हरी मिर्ची अगर आपको ज़्यादा कड़वा खाना चाहते हैं। ये देखिए, ये आप डिप करिए, डिप करके खाइए। ये देखिए, दोनों तरफ से देखिए, इधर भी इधर भी, आपको कैसी लगी मेरी ये रेसिपी। ये ऐसे खाइए, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट, आप ज़रूर बनाएं और खाएं। देखिए ये चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने डिब्बे से इसको निकाल लिया है, लेकिन मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि मैंने थोड़ा जल्दी निकाला है, कम से कम इसको दो घंटे का समय दे दीजिए जिससे ये कड़ा कड़ा तैयार हो जाए। मेरा भी ज़्यादा कड़ा नहीं हुआ है, बड़ी व्यवस्था से काटना पड़ेगा, तो मुझे आपको दिखाना है, इसलिए मैंने निकाल लिया। देखिए इसमें मैंने तेल थोड़ा सा डाल दिया है, आप चाहें तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, डीप फ्राई करें या स्लो फ्राई करें। अब इसको हम मनपसंद आकार में आप काट लीजिए। ये देखिए, मैं एक ही तरफ पर काटूंगी क्योंकि मेरा अभी हुआ नहीं है। ये देखिए, ये देखिए, ये इसको मैं, मेरा तवा गर्म हो गया, मैं इसको ऐसे बर्फी के आकार का ऐसे रख देती हूँ। आप इसको चाहें तो थोड़ा सा खड़ा और हो जाए तो आप डीप फ्राई भी कर लें। ये देखिए,
ये बहुत ही करारे और क्रिस्पी तैयार होते हैं, और ये ऐसे होते हैं कि आप बना के रख लो 2 दिन 4 दिन, जैसे अकेले हो, मैं अकेले हूँ तो मैं बना के रख लेती हूँ, कोई भी आए तुरंत निकालो और डीप फ्राई कर दो। अपने घर में तो हम डीप फ्राई नहीं करते हैं। अब ये देखिए, मैं ज़्यादा नहीं बनाऊँगी क्योंकि अभी इसको थोड़ा सा, ये देखिए थोड़ा मैं इस डिब्बे में करके, ये देखिए ये इसमें भी करके फ्रीजर में फिर रखूँगी, शाम तक ये तैयार होगा। ये देखिए इसको मैंने ऐसे पलट लिया, ये देखिए ये आपको दिख रहा होगा। अब इसको हम इसमें, ये देखिए फिर से बैलेंस कर देंगे, इसको ऐसे करके फ्रीजर में फिर रख देते हैं। इसको अभी हम पलट लेते हैं, बस तेल चला जाता है। आप चाहो तो डीप फ्राई भी कर सकते हो, इसको बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये देखिए हमने गाजर डाला है, आप कुछ भी डाल सकते हैं, गाजर डालिए, शिमला मिर्च डालिए। अब हम निकाल लेते हैं इसको, दोनों तरफ से मेरे करारे क्रिस्पी पकौड़े थक गए। ये देखिए इधर से भी इधर से भी, तेल थोड़ा कम लगाया है, ऐसे ज़्यादा फायदेमंद होते हैं और हम लोग खाते भी कम हैं। आपका जैसा मन हो ऐसा बनाइए। ये देखिए गैस को कर देते हैं बंद, और अब आप देखिए ये आपको कैसे लगे। ये ऐसे ऐसे करके चटनी प्याज चाहे जहाज खाइए, जिस चीज़ से मन हो उससे खाइए। ये देखिए, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।